Dear class 4th students, this is your English language class and previous class we have solved question number A, comprehension answer, and B, vocabulary. Today I will solve section C, which is grammar. Here is saying that some example has given here and saying here, compare the phrases in the left column with the sentence in the right column. Is a brave boy. The brave is, the boy is brave. Beautiful truth is beautiful. And hot sun, the sun is hot. ये देखिए क्या ही phrases हैं, brave boy, beautiful truth, hot sun, ये कुछ phrases हैं. इसको ये इससे आपको complete sentence बनाना है. ये यहाँ कहा जा रहा है. आगे देखिए the words brave, beautiful and hot. Tell us more about boy, truth and sun. That is, they are describing words or adjectives. The right column shows how we can use adjectives to describe something in a sentence. यहाँ ये क्या कह रहा है कि जैसे ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, हॉट है, ये सब क्या है, बॉय के बारे में, ट्रुथ के बारे में, लसन के बारे में बता रहा है. ये सब क्या कहलाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाता है, मींस एडजेक्टिव. डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही एडजेक्टिव भी कहते हैं. और इसी को जो है इसमें आगे राइट में सेंटेंस बना दिया गया. आगे बताया जा रहा है, द थिंग्स टू डिस्क्राइब प्लस एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी इज आर वाज हियर प्लस द एडजेक्टिव और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस जो बनाया गया है, ये सेंटेंस बनाने का तरीका है. पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं. वर्ब मीन्स जो यहाँ इज आर एंड से लिया गया है. जैसे अब हम प्रेजेंट, तो इसमें यूज अलग अलग है. जब हम प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो हम इज यूज करते हैं या आर यूज करते हैं. इस सिंगल के लिए इज यूज करते हैं और प्लुरल के लिए आर यूज करते हैं. इसी तरीके से पास्ट के लिए हम वाज यूज करते हैं सिंगलर के लिए और प्लुरल के लिए वेयर यूज करते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ है, इन द प्रेजेंट टेंस ट्रुथ इज ब्यूटीफुल, द सन इज हॉट. तो इसमें ट्रुथ प्लस एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी मतलब वर्ब का फॉर्म इज होगा, इज दिया और उसके बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल दिया. उसी तरीके से द सन ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, वर्ब है, और क्या है, ये एडजेक्टिव है. उसी तरीके से इन पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस, द वे वाज रफ, द वे क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है, और रफ एडजेक्टिव है. द रॉबर्स, रॉबर्स क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, जो नाउन पे ही सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है. वेयर क्या है, वर्ब है, और प्लुरल क्या है, वर्ब है, प्लुरल क्या है, एडजेक्टिव है. यूजिंग मोर देन वन डिस्क्राइबिंग वर्ड, द डे इज ब्राइट, वार्म एंड ब्यूटीफुल. देखिए इसमें क्या है, द डे इज ब्राइट, वार्म एंड ब्यूटीफुल. द मैन वॉज टॉल, थिन एंड डार्क. द वाटर इन द पूल इज वेरी कोल्ड. द काइंड, द किंग वॉज एक्सट्रीमली काइंड. जब इसमें एडवर्ब हम ऐड करते हैं तो एडवर्ब हम वर्ब से, एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे, ठीक है. जैसे वेरी लगा दिए, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है. आगे है, टू मेक दिस डिस्क्रिप्शन सेंटेंस नेगेटिव एड नॉट आफ्टर वर्ब. इन सारे वर्ब वर्ड में अगर हम इस सेंटेंस में अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ब हो जाता है. जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ, द सन इज नॉट हॉट और द सन इजंट हॉट, द वे वाज नॉट रफ और द वे वाजंट रफ, द मैन वाज नॉट टॉल, thin and dark, or the man was not tall, thin and dark. The water in the pool
जा रहा है, द टेबल बिलो शोज द पार्ट्स ऑफ 10 डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस, राइट डाउन दीज सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब की नंबर 1 एंड 6 आर डन फॉर यू। यहां ये कहा जा रहा है कि टेबल दिया हुआ है, ये टेबल देखिए 1 to 10 तक टेबल दिया हुआ है, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है वो दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिए हैं एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव है, इन सबको जोड़ करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला है क्या है, सुमित टाइम प्रेजेंट है, पॉजिटिव बताया जा रहा है, इसको टिक किया हुआ है पॉजिटिव में, और एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, तो इससे क्या सेंटेंस बनेगा, सुमित प्रेजेंट की रेडीज और एडजेक्टिव क्या है इंटेलिजेंट, क्या हो गया सुमित इज इंटेलिजेंट। टू है दिस पार्क प्रेजेंट में है, ग्रीन एंड ग्रीन प्रेजेंट में, तो क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, क्या होगा दिस पार्क इज ग्रीन एंड ग्रीन। थर्ड देखिए, थर्ड है द प्लेयर्स, टाइम क्या है पास्ट में है, पास्ट में है तो क्या होगा पास्ट में है और प्लुरल प्लेयर्स है तो क्या लग जाएगा वॉज वेयर लग जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव है और टाइम तो क्या हो जाएगा द प्लेयर्स वेयर टाइम। इसी तरीके से आप लोगों के पास बुक है वाइवा करियर इंग्लिश होगा, आप देखेंगे पेज नंबर 86 में के 6 में है, फोर्थ में है द स्टूडेंट टाइम पास्ट है और ये आपका पॉजिटिव है और आगे एडजेक्टिव में लेजी है तो सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट वाज लेजी। उसके बाद फिफ्थ में है द वेदर इज वेदर इन जर्मनी पास्ट है और ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है और एडजेक्टिव कोल्ड है तो क्या हो जाएगा द वेदर इन जर्मनी वाज कोल्ड। उसी तरह सिक्स्थ है, सिक्स्थ का सेंटेंस बनेगा सम पीपल प्रेजेंट है तो इस हो जाएगा पीपल है आर हो जाएगा सम पीपल आर और नेगेटिव है ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो देखिए क्रॉस लगा हुआ है तो नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। उसी तरह से सेवेंथ सेंटेंस बनेगा द रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पास्ट है ठीक है और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा द रेलवे प्लेटफॉर्म वॉज डार्क एंड डिजर्टेड। एर्थ में हमें प्रेजेंट में है और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या होगा द फूड एट द रेस्टोरेंट इज नॉट लगा दें नॉट वेरी टेस्टी। तो नाइन्थ है द पेशेंट ये भी पास्ट में है और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा द पेशेंट वॉज स्लाइटली अपसेट। उसका टेंथ है द लाइट्स ये भी पास्ट सेंटेंस बनाना है द लाइट्स वेयर नॉट वेयर और ये क्या है नेगेटिव में भी है पास्ट में भी है और नेगेटिव में भी है तो लाइट्स वेयर नॉट क्लियरली विजिबल तो ये दसों सेंटेंस बनाना है आपका ये नॉट और टाइम को यूज करते हुए इसमें इज आर या वॉज वेयर का यूज हो करके ये आपका दसों सेंटेंस बना है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज करेंगे तो ये सेंटेंस को आप देख लीजिएगा ये आपका ये सेक्शन सी का आंसर है। ये पहला सेंटेंस आपको 10 सेंटेंस बनाना है ये डिस्क्रिप्शन टेबल को देख करके तो पहला सेंटेंस बनेगा सुमित इज इंटेलिजेंट, दूसरा सेंटेंस होगा दिस पार्क इज ग्रीन एंड ग्रीन, थर्ड होगा द प्लेयर्स वेयर टाइड, फोर्थ होगा द स्टूडेंट वॉज लेजी, फिफ्थ होगा द वेदर इन जर्मनी वॉज कोल्ड, सिक्स्थ होगा सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, सेवेंथ होगा द रेलवे प्लेटफॉर्म वॉज डार्क एंड डिजर्टेड, एट्थ होगा द फूड एट द रेस्टोरेंट इज नॉट वेरी टेस्टी, नाइन्थ होगा द पेशेंट वॉज स्लाइटली अपसेट, टेंथ होगा द लाइट्स वेयर नॉट क्लियरली विजिबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। Thanks for watching. Bye.